हे हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मेहूम क्राइम हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज की जो कहानी है वो ओजे सिम्पसन केस के ऊपर है अब ये जो केस है दोस्तों इसे एक्चुअली एक लिस्ट बनाया गया है कि इस वर्ल्ड में जितने भी क्राइम हुए हैं कुछ दस सबसे बड़े क्राइम जो हैं उनकी लिस्ट है और ये कहानी भी उस लिस्ट में शामिल है दोस्तों इस केस को द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया है अब शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि ओजे जे सिमसन है कौन ओजे जे सिमसन एक बहुत ही लेजेंडरी और स्टार अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर था और एक रात को ये जो ओ जे सिमसन है उसके एक, एक दोस्त का बहुत ही ब्रूटल वे में खून हो जाता है और इस खून का इल्जाम ओजे सिम्सन के ऊपर पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं इसके खिलाफ और फिर ये जो ट्रायल ऑफ द सेंचुरी है ये शुरू होता है स्टेट वर्सेस ओजे जे सिमसन अब मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ शायद मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन दोस्तों ये मतलब अमेरिकन इतिहास में या फिर इस पूरे वर्ल्ड के इतिहास में बहुत ही ज्यादा बड़ा केस है बहुत बड़ा एक तरह से जो मीडिया सर्कस बोलते हैं हम उस तरह का केस है तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों की ओजे सिमसन ये कौन है तो ये एक स्टार अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है दोस्तों अमेरिकन फुटबॉल मतलब जो रग्बी गेम होता है उसी की तरह होता है ये सिक्सटीज और सेवेंटीज में बहुत ज्यादा फेमस था इसका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1947 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसकी मदर एक हॉस्पिटल में काम करती थी और जो फादर थे वो एक शेफ का, का काम करते थे पर वो एक बहुत ही फेमस ड्रैग क्वीन थे उस जगह के जहाँ पे ये लोग रहते थे और वो ओपनली गे भी थे इसका जो बचपन है दोस्तों पूरा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है 1952 में ही इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है इसकी फैमिली भी काफी गरीब रहती है और जब ये एकदम बच्चा था तब इसको रिकेट्स नाम की एक बीमारी थी जिसकी वजह से इसको पैरों में ब्रेसेस पहनने पड़ते थे ये जैसे जैसे बड़ा हुआ जैसे अपने टीन के वक्त तक पहुंचा तब वो एक स्ट्रीट गैंग में शामिल हो गया था मतलब ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था लेकिन एक दिन इसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बेस प्लेयर विली मेज से हुई और विली मेज ने इसको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया कि अगर इन सब चक्करों में पड़े रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया और उनसे मोटिवेट होकर इसने स्कूल में ही अपने स्कूल में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया अमेरिकन फुटबॉल वो इसमें काफ़ी अच्छा हो गया और अपने स्कूल के टीम में एक पोजिशन मतलब बनाने में कामयाब हो गया और मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों की अमेरिका में ये जो स्कूल और कॉलेज लेवल के जो फुटबॉल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं हमारी तरह नहीं कुछ मतलब एकदम स्पॉन्सर्स वगैरह इनको मिलते हैं और यहीं से ही वो आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करते वो बहुत बड़ा प्लेयर बन गया एन जो नेशनल फुटबॉल लीग है अमेरिका में वहाँ का प्लेयर वो बन गया अब दोस्तों जिस इसके पत्नी का खून हुआ था उससे वो कैसे मिला था वो जानते हैं नाइनटीन में ये और उसके कुछ दोस्त एक नाइट क्लब में थे और वहां पे ही इसकी जो ये पत्नी है फ्यूचर वाइफ होने वाली है इसका नाम है निकोल ब्राउन वो वहां पे एक वेट्रेस का काम कर रही थी फिर यहाँ पे उन दोनों की दोस्ती होती है फिर ये लोग कई सालों तक डेट करते हैं और कई सालों तक ऐसे डेट करने के बाद इनके बीच में मतलब प्यार हो जाता है रिलेशनशिप होता है फिर नाइनटीन में ये दोनों शादी कर लेते हैं इनके दो बच्चे भी हैं अब दोस्तों ये रिलेशनशिप बाहर से देखा जाए तो अच्छा था लेकिन अंदर से एकदम खराब था एकदम खराब और उसका मेन रीजन था ये जो ओ जे सिमसन है उसका वायलेंट नेचर जो बचपन से ही एक्चुअली ऐसा था वो अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता था बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक एब्यूज करता था मतलब इतना ज़्यादा कि एक बार इसने अपनी बीवी का हाथ तोड़ दिया था और वो डर के मारे उसने पुलिस को कम्प्लेंट तक नहीं की शादी से पहले ही ओजे ने अपने बीवी से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया था कि उसकी बीवी कभी शादी के बाद कभी कहीं पे काम नहीं करेगी तो इस वजह से फिनेंशियली भी वो ओजे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी हाथ यहाँ तक हो गई थी कि पब्लिक के सामने और ये जो निकोल है उसके फैमिली फ्रेंड्स के सामने भी हो जो उसकी पिटाई करता था डोमेस्टिक एब्यूज के उसके 62 केस हो गए थे और सिर्फ एक केस में ही ओजे को पुलिस ने पकड़ा था अब इतना सब हो जाने के बाद जो निकोल है उसने ओजे को डिवोर्स देने की ठान ली फिर इन दोनों ने मिलकर डिवोर्स ले लिया लेकिन डिवोर्स लेने के बाद भी ओजे अपनी बीवी को बहुत ही बुरी तरह से तंग करता था उसके ऊपर स्पाई करता था उसका पीछा करता था और एकदम एब्यूज करता रहता था नौबत तो यहाँ तक आ गई कि उसको जान से मारने की भी धमकी देने लगा था इस बारे में निकोल ने पुलिस वगैरह से भी कंप्लेंट की थी और महिला आयोग वगैरह जो थे उनसे भी कंप्लेंट की थी कि बचाना चाहिए से आर्मी से ये मुझे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है लेकिन शायद ये सब इतना एस्केलेट नहीं हुआ और फिर जाकर वही हुआ दोस्तों जिसका सबसे मतलब बड़ा डर था 12 जून 1994 को निकोल और उसके कुछ फ्रेंड्स परिवार वाले अपनी बेटी का कुछ स्कूल में डांस था वो देखने गए थे वो देखने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ खाना वाना खा के वो लोग अपने घर आ गए लेकिन जो निकोल है वो अपना चश्मा उस रेस्टोरेंट में भूल गई थी वो चश्मा उस रेस्टोरेंट के ही एक वेटर ने रख लिया था मतलब उनको मिल गया था और वो निकोल का दोस्त भी था फिर उसने बोला कि मैं अपना शिफ्ट ख़त्म होती वो चश्मा आपको दे दूंगा फिर उसी दिन करीब रात को दस बज के पंद्रह मिनट में जो निकोल का एक डॉग होता है वो उनके घर के बाहर आके रास्ते में बहुत ही बुरी तरह से भोंकता रहता है बहुत ही बुरी तरह से फिर नेबर्स भी पास में आ जाते हैं उस कुत्ते के कि ये इतनी बुरी तरह से क्यों भोंक रहा है फिर एक नेबर ने देखा कि जो कुत्ते के पैर है उसमें एकदम ब्लड लगा हुआ है बहुत सारा फिर लोग भी घबरा गए फिर कुत्ते को कहीं पे वो लोग ने रख दिया फिर और कुछ नेबर्स को लेके वो लोग जो निकोल ब्राउन उसके घर की तरफ जाने लगे उनको शक हो गया था कि कुछ शायद गड़बड़ हो गई है जब वो लोग घर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर ही जो निकोल ब्राउन है उसकी लाश पड़ी हुई है उसका मुंह जमीन की तरफ था और पास में ही एक और लड़के की लाश पड़ी हुई थी और वो वही वेटर था दोस्तों जिसका नाम था गोल्डमैन तब फिर नेबर्स ने पुलिस को बुलाया फिर पुलिस ने आकर जब जांच की तो उन्हें पता चला कि जो निकोल है उसको बहुत ही बुरी तरह से चाकू मारा गया था उसके गर्दन पर फिर उसके सर पर चाकू मारा गया था जो अटैक था दोस्तों वो इतना ज्यादा वायलेंट था इतना ज़्यादा मतलब रॉ था कि जो गर्दन थी वो बस कुछ ही मतलब उसके बॉडी के साथ लगी हुई थी एक तरह से पूरा डीकेपिटेड हो गया था सर पूरा और ठीक ऐसा सेम हाल उस लड़के जो गोल्ड मैन वेटर था उसका भी हुआ था उसकी भी बॉडी पास में पड़ी हुई थी पुलिस के छानबीन के दौरान एक ग्लव्स भी मिला जो वहां पड़ा हुआ था पास में और उस पर खून वगैरह लगा हुआ था फिर पुलिस ने सिमसन को फोन किया ये बताने की ऐसी एक घटना हो गई है करके फिर पुलिस ने एक बार नोटिस की कि जब पुलिस वो बोल रही थी तो जो सिमसन है उसका रिएक्शन मतलब एकदम नॉर्मल जैसा था कि उसको अपने बीवी की ज्यादा पर ही नहीं है कि उसका खून हो गया एकदम उसका रिएक्शन नॉर्मल था इसके अलावा वो मतलब ये पूछ रहा था कि हाँ जिस वक्त खून हुआ था जो निकोल और सिमसन के बच्चे थे उसी घर में ही थे, वो रहे थे। तो ये बार बार वो ये पूछ रहा था कि क्या उसके बच्चों ने ये खून होते हुए देखा है इसके बाद पुलिस सिमसन से मिलने उसके घर गई जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस को मालूम चला कि सिमसन उस घर में नहीं था और उसकी गाड़ी एकदम अजीब तरीके से वहां पे रखी हुई थी पुलिस ने देखा कि उसके गाड़ी के दरवाजे पर खून लगा हुआ था और छानबीन करने पर एक और ग्लव्स पुलिस को मिल गया और ये वही ग्लव्स लग रहा था जो एक मतलब बॉडीज के पास में मिला था अब इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जब ओजे को ये बात मालूम चले कि पुलिस ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है तो वो एकदम डिप्रेशन में आ गया था और एक दोस्त के वहाँ रहने चला गया और 17 जून को सिमसन के जो वकील थे उन्होंने पुलिस को बोला कि सिम्सन उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद सरेंडर करेगा और सरेंडर करने के लिए सिमसन ने बोला कि वह बारह बजे सरेंडर करेगा लेकिन जिस जगह पे वो सरेंडर करने वाला था पुलिस भी बारह बजे वहां पे रुकी हुई थी मीडिया वाले थे सभी के सभी उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन वो उस दिन वहाँ पे नहीं आया सिमसन और उसका एक और दोस्त सिमसन की फोर्ड ब्रॉन को कार्ड लेके वो वहां से भाग गए थे पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिमसन इतना बड़ा आदमी है वो कभी भागेगा तो नहीं लेकिन वो लोग एक्चुअली वहां से भाग गए थे दोस्तों और इसके बाद शुरू हुआ अमेरिकन इतिहास का सबसे बड़ा मीडिया सर्कस और कार चेज पुलिस सिम्सन को धूंध रेटी और करीब शाम के टाइम में कई लोगों ने स्पॉट किया कि सिम्सन और उसका एक दोस्त उसकी गाड़ी लेके हाईवे में जा रहे हैं फिर पुलिस चेज शुरू हो गया करीब बीस से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ इसके गाड़ी के पीछे लग गई हेलीकॉप्टर्स थे ऊपर मीडिया के हेलीकॉप्टर्स थे मीडिया के जो वैन होते वो हो सब थे और ये इतना बड़ा इवेंट हो गया था अमेरिका में कि 95 मिलियन लोगों ने उसको देखा था सिर्फ अमेरिका में और फ्रांस चाइना में भी कुछ लोगों ने देखा उस दिन एक बहुत ही बड़ा मैच चल रहा था लाइव मैच उस लाइव मैच को बीच में काट के ये जो उसका जो कार चेज वाला फुटेज है लाइव वो दिखाया जा रहा था आप सोचिए कितना बड़ा इवेंट होगा ये फिर अंत में जाके करीब रात को आठ बजे मतलब कुछ सात आठ घंटे ये केस चलता रहा रात को आठ बजे सिमसन और उसका जो दोस्त है वो ही गाड़ी चला रहा था फिर से इसके घर के पास आके ही उन्होंने सरेंडर किया तब भी नहीं किया था कुछ घर के अंदर गया वो जूस वगैरह पी रहा है फोन कर रहा है इधर उधर एक डेढ़ घंटे बाद उसने फिर सरेंडर किया अब इसको अरेस्ट कर लिया गया और फिर इसका जो केस है जिसको ट्रायल ऑफ द सेंचुरी बोला गया है सोचिए कितना बड़ा केस होगा तो ये शुरू हो गया और ये केस करीब 11 महीने चला लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस केस का जो रिजल्ट है जो वर्डिक्ट है वो क्या हुआ वो ये हुआ कि इतने सारे सबूत मिलने के बाद और इसके प्रीवियस हिस्ट्री जानने के बाद भी ये जो सिमसन है इस दोनों केस में बरी हो गया अब इसके बरी होने की बहुत सारी वजह थी दोस्तों बहुत सारी वजह सबसे पहली वजह तो ये थी कि सिमसन है वो एक ब्लैक आदमी था एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी था और एक बात तो आप लोगों को मालूम होगी कि अमेरिका में ये जो रेसिज्म है आजकल तो शायद थोड़ा सा कम हो गया है उस जमाने में रेसिज्म बहुत ही ज़्यादा था और जो पुलिस होती है वो अफ्रीकन अमेरिकन पर मतलब पुलिस ब्रूटेलिटी करती है ऐसा उन लोग का कहना है मैं तो कभी गया नहीं हूँ तो सबूत के साथ तो नहीं बता पाऊँगा जो सुना है वही बोल रहा हूँ कि ये पुलिस उन पर ब्रुटैलिटी करती है तो ये जो ओजे सिम्सन था एक अफ्रीकन अमेरिकन तो इसके ऊपर मतलब सभी अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक लोगों की सिंपैथी थी इसके ऊपर कि ये तो कुछ रॉन्ग कर ही नहीं सकता पुलिस ही इसको फंसा रही है ऐसा एक माहौल हो गया था और लोगों ने जो सबूत थे इतने सारे उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया उनको लग ही नहीं रहा था कि ये अफ्रीकन अमेरिकन है ये कैसे अपनी बीवी को मारेगा ये तो जुर्म कर ही नहीं सकता पुलिस ने फंसा फंसाया है वर्डिक आने से पहले कुछ भी सबूत देखने से पहले ही लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था जो ज्यूरी होती है जो केस का फैसला देती है वो जूरी में भी ज़्यादातर लोग अफ्रीकन अमेरिकन ही थे और वो लोग इसके साथ पहले से ही थे सबूत पेश करने से ट्रायल शुरू होने से पहले ही इसके साथ हो गए फिर ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर और मतलब न्यायालय के ऊपर भी ऐसा प्रेशर हो गया था कि अगर इसको सजा दे देते हैं तो शायद ब्लैक और वाइट का एकदम रायट शुरू हो जाएगा जो पहले कई बार हो चुका है बहुत ही अनरेस्ट होगा तो इस प्रेशर में भी शायद इसको जेल नहीं हुई होगी फिर दूसरी एक और वजह थी कि इस केस में जो लीड डिटेक्टिव थे एक टीम थी उनमें से एक था जो एक्चुअली पहले उसके ऊपर रेसिज्म के बहुत सारे केसेस लगे हुए थे तो उसने जितने भी सबूत पेश किए तो उन चीज़ों को भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न था इसके छूटने का वो था कि दोस्तों ये बहुत बड़ा आर्मी था इसके पास अनगिनत पैसा पावर कॉन्टेक्ट थे और इसने जो वकील लिया था जो इसके वकीलों का टीम था वो मतलब उसको ड्रीम टीम कहा गया था उस समय बहुत सारे टॉप लेवल के अमेरिका के वकील उस टीम में थे तो जब इतने सारे अच्छे अच्छे वकील होंगे तो फिर ये कैसे ही फंस जाएगा वहाँ पे उन वकीलों ने एकदम जान लगा दी इसको छुड़ाने के लिए और फिर बाद में ये छूट भी गया और फिर कहते हैं ना कि जो फेमस लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ करके मर्डर करके भी ही जाते हैं मतलब ये जो अच्छे वकील होते हैं उनको हायर करके तो शायद इस केस में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या लगता है आपको कि ये आदमी कभी सुधर सकता है क्योंकि ये बचपन से ही थोड़ा वायलेंट किस्म का था इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी जो इसकी बचपन में गर्लफ्रेंड थी उसने भी बोला था ये बहुत ही मतलब वायलेंट आदमी है फिर जो डोमेस्टिक एब्यूज वगैरह के केस तो इसके ऊपर थे ही इस केस में बरी होने के बाद टू में ये एक और कांड करता है अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल ये एक होटल में जाता है और वहाँ पे जाके एक आदमी जो एक स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया का कलेक्टर होता है उसको ये लोग लूट लेते हैं और इस केस में इसको नौ साल की सज़ा हो जाती है और 2017 में ये एकदम रिलीज़ हो जाता है इसके ऊपर कोई केस नहीं है अभी तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है एक्चुअली बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों मैं इतना बड़ा सुनाऊंगा तो पांच एपिसोड बन जाएंगे इसलिए मैंने इसको संक्षेप में सुनाया है अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों संदीप सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जिनकी तरह हमें बनना है और जिनकी तरह हमें नहीं बनना है इन दोनों से ही हमें सीख मिलती है और ये जो आदमी है ओ जे सिम्सन ये उस दूसरे कैटेगरी का है जिसकी तरह हमको नहीं बनना है तो ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और कहानी के लिए थैंक यू सो मच